माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ वेदांतुस शॉर्टकट सीरीज फॉर फिजिक्स. सो इन माय लास्ट वीडियो आई प्रॉमिस्ड यू कि मैं और बहुत सारे वीडियोस बनाऊंगा, और आज मैं 12th क्लास के टॉपिक पे आई विल बी स्टार्टिंग फ्यू शॉर्टकट ट्रिक्स. सो आई एम वेरी एक्साइटेड. तो आज हम शुरू करेंगे और आज मैं 12th स्टैंडर्ड की कुछ चीजें आपको बताऊंगा. लास्ट लेक्चर से इस लेक्चर के बीच में आई वॉज नॉट इन इंडिया, सो माई डियर स्टूडेंट्स थोड़ा सा गैप रह गया वहां पर. मैं एक्चुअली बीजिंग में था, आई वॉज ट्रेवलिंग चाइना, और वहां पर बहुत ज्यादा ठंड थी, तो आने के बाद माई थ्रोट वॉज कम्प्लीटली गॉन, राइट. तो होपफुली अभी थोड़ी सी आवाज मेरी वापस आई है, तो आई एम टेकिंग दिस सीरीज, राइट. और बहुत ही जल्द 3-4 और मैं ऐसे वीडियोस अपलोड करने वाला हूं जिसके अंदर हम 12th क्लास के टॉपिक्स और थोड़े बहुत 11th क्लास के और 2-3 क्वेश्चंस मैं आपको शॉर्टकट्स ट्रिक्स और सीरीज के थ्रू बताना चाहूंगा. ओके, ऑलराइट. सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट टुडे. सो आज माय डियर स्टूडेंट्स हम सर्किट के क्वेश्चंस उठाने वाले हैं, और थोड़े बहुत टॉपिक्स और कॉन्सेप्ट्स मैं आपको बताने वाला हूं जो कि नॉर्मली कई स्टूडेंट्स को नहीं पता होते. ओके, तो जैसे कि हम नॉर्मली करते हैं, लेट मी टेक अप अ क्वेश्चन विच केम इन IIT, और हम उन क्वेश्चंस को जल्दी से शॉर्टकट से करने की कोशिश करेंगे. सो दिस इज अ क्वेश्चन विच एक्चुअली केम इन वन ऑफ द IITs. तो क्वेश्चन बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है. डायग्राम दिया हुआ है, E1, E2 और E3 तीन बैटरीज हैं जिनके EMFs दिए हुए हैं, all three ऑफ देम आर 2 volts, और 4 ohm के रेजिस्टर्स दो लगे हुए हैं. और हमसे पूछा गया है कि करंट फ्लोइंग बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, पॉइंट ए एंड पॉइंट ए के बीच में करंट फ्लोइंग क्या है, और ये 4 options है. तो इन क्वेश्चंस को नॉर्मली करने का जो तरीका है वो आई एम अज्यूमिंग सबको पता है, राइट. बहुत तरीके एग्जिस्ट करते हैं इसको करने के. सबसे स्टैंडर्ड जो तरीका होता है, मैं आज करने नहीं वाला हूं, बट जस्ट बता देता हूं कि यहां से आप कुछ करंट I एज्यूम कर सकते हो, फिर यहां से कुछ करंट I1 जाएगा, यहां से I-I1 जाएगा, फिर आप उसको किरचॉफ सेकेंड लॉ से इक्वेशंस आप बना सकते हो. दो वेरिएबल्स हैं तो दो इक्वेशंस बनाओगे, उसको सॉल्व करोगे, ऑप्शंस एलिमिनेट करोगे, एंड देन यू विल गेट द आंसर. ओके, सो दैट्स अ नॉर्मल मेथड. वैसे ये क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, तो नॉर्मल मेथड से भी आप शायद 2-3 मिनट में आप ये सॉल्व कर लोगे. ओके, बट आज मैं आपको एक और मेथड बताना चाहूंगा जिससे आप इस क्वेश्चन को और एक आसानी से और शॉर्टर तरीके से सॉल्व कर सकते हो. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स लुक एट द न्यू मेथड. तो ये जो न्यू मेथड है इसको मैं सिमेट्री मेथड बोलता हूं. ओके, काफी बच्चों को ये पता है, राइट, बट मेजॉरिटी ऑफ देम प्रोबेबली हैव हर्ड अबाउट इट बट डोंट नो हाउ टू अप्लाई इट. तो हम देखते हैं इस क्वेश्चन में हम उसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं. तो जैसे कि हमें पता है कि दिस बैटरीज और ऑल ऑफ 2 volts, ठीक है. सो सिमेट्री के अंदर सबसे पहला जो तरीका है सोचने का वो ये कि जब भी आपको ऐसे सर्किट दिखे, ओके, और आपको ये दोनों 4 ohm, 4 ohm, 4 ohm, राइट, जिस तरह से आपको ये सर्किट देखे और आपको लगे कि इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो सिमेट्रिकल हैं, राइट, क्या आपको दिख रहा है कि इसके अंदर कोई ब्रांच या कोई एलिमेंट सिमेट्रिकल है, यस और नो? मुझे तो क्लियरली दिख रहा है. इफ यू कैन लुक एट इट, आई विल ड्रॉ इट इन सम अदर कलर. या अगर मैं यहां पर एक इमेजिनरी लाइन बनाऊं, ओके, जो ग्रीन कलर का लाइन है, मैंने इमेजिनरी लाइन बनाया, तो जो उसके ऊपर है वही उसके नीचे है, तो ऊपर वाला जो पोर्शन है और नीचे वाला जो पोर्शन है वो दोनों सिमेट्रिकल है, सॉर्ट ऑफ लाइक मिरर इमेजेस हैं. मानते हो आप इसको, दिख रहा है क्लियरली? तो इससे क्या होता है, हमेशा याद रखना, जब भी किसी सर्किट में फर्क नहीं पड़ता है वो कैपेसिटिव सर्किट हो, रेजिस्टिव सर्किट हो, इंडक्टिव सर्किट हो, कोई भी सर्किट हो, अगर आपको उसमें दो या दो से ज्यादा ब्रांचेस या एलिमेंट्स सिमेट्रिकल दिखे तो उसके अंदर जो चार्जेस हैं या करंट है या जो भी DI/DT है वो भी सिमेट्रिकल होंगे या इक्विवेलेंट होंगे, ठीक है. तो मैं समझाता हूं यहां पर उसका एप्लीकेशन क्या होगा.
ओके, तो लेट्स डू इट। जिस तरीके से मुझे यहां दिख रहा है कि ये वाला जो ब्रांच है ऊपर वाला और नीचे वाला सिमेट्रिकल है, जैसे मैं ये देखता हूं कि दो ब्रांचेस सिमेट्रिकल है, इसका मतलब इन दोनों के थ्रू जो करंट जा रहा है वो भी सिमेट्रिकल होगा। दैट्स द रूल ऑफ सिमेट्री, सिंपल कॉमन सेंस, राइट? कि भैया दो चीजें अगर सिमेट्रिकल है तो उसके अंदर जो करंट भी जा रहा होगा वो भी सिमेट्रिकल है, और अगर यहां कैपेसिटर्स होते तो चार्ज जा रहा होगा वो भी सिमेट्रिकल। गॉट इट? तो इससे क्या हुआ, इससे तो बहुत सिंपल हो गया क्वेश्चन। ये रहा आई, ये रहा आई, दोनों आई और आई मिलेंगे तो यहां पर कितना हो जाएगा, 2i, राइट? तो ये रहा 2i, यहां से आई है, ये हम सिंपल सा एक लूप में सॉल्व कर सकते हैं इस इक्वेशन को। यहां से मैं स्टार्ट करता हूं और हम एक लूप में घूमते हैं, तो यहां से यहां जाऊंगा तो कितना हो गया, प्लस 2 वोल्ट्स पोटेंशियल राइज। फिर यहां से यहां हम जाएंगे तो यहां से कितना करंट जा रहा है, आई, यहां से आई, यहां से आई, तो इधर से पोटेंशियल ड्रॉप कितना हुआ, -4i। इधर वापस से नेगेटिव से पॉजिटिव तो +2 वोल्ट, और हम वापस यहां आ गए =0। तो क्या हो गया यहां पर, 4 वोल्ट = 4i, i = 1 एम्पियर। ए से बी कितना करंट जा रहा है, 2i जा रहा है, मतलब 2 एम्पियर जा रहा है। सो द आंसर इज 2 एम्पियर फ्रॉम ए टू बी, 2 एम्पियर फ्रॉम ए टू बी, सिंपल इजी। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, ये मेथड ऑब्वियसली सिमेट्री को यूज करके मैंने सॉल्व किया है, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज जो है, राइट, जो आप सबको ध्यान रखना है और प्रैक्टिस करनी है, वो है सिमेट्री को आप और बहुत सारे क्वेश्चंस और बहुत सारे सर्किट्स में यूज कर सकते हो। और मैं कोशिश करूंगा, मैं अपने आगे के भी जो फ्यू वीडियोस हैं उसके अंदर मैं और थोड़े बहुत क्वेश्चंस ढूंढ के लाता हूं जो कि IIT में पूछे गए या नीट में पूछे गए या एम्स में पूछे गए, और उसको मैं कोशिश करूंगा कि सिमेट्री से सॉल्व करके मैं आपको और केसेस समझाऊं जिसके अंदर हम सर्किट्स को सिमेट्री को यूज करके चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। ओके, आई होप ऑल ऑफ यू गॉट दिस, राइट? इट्स अ वेरी पावरफुल मेथड, और इसके अंदर एक्चुअली ज्यादा कुछ सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। इनफैक्ट देखो, मैं तो बस एक इक्वेशन लिखा, ओरली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो आई रियली होप यू लाइक दिस मेथड, प्रॉमिस मी कि आप इसको और प्रैक्टिस करोगे, एंड एज यूजुअल इफ यू लाइक दिस मेथड प्लीज लाइक द वीडियो, और नीचे मोर इंपॉर्टेंटली कमेंट करिए, क्योंकि आपके कमेंट्स पढ़ के मेरा पूरा दिन सफल हो जाता है, बिलीव मी, राइट? बिलीव मी, जस्ट गेट्स मी गोइंग। सो थैंक्स फॉर ऑल द लव माई डियर स्टूडेंट्स, एंड ऑन द नोट कस्टमरी थैंक यू बिफोर आई एंड दिस वीडियो, दिस इज वामसी कृष्णा साइनिंग ऑफ।